9 अगस्त को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई घटनाओं के खिलाफ जूनियर डॉक्टर के द्वारा चलाए गए प्रोटेस्ट के बीच गुरुवार की रात करीब 12:40 के बीच अर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कुछ अन्य लोगों के एक बड़े से ग्रुप ने हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों और लोगों के बीच हमला बोल दिया। प्रोटेस्ट कर रहे स्टेज को तोड़ा गया, वहाँ पर मौजूद कुर्सियां यहाँ तक कि पंखा को भी तोड़ा गया। इसके बाद हॉस्पिटल पर हमला किया गया, कई लोग हॉस्पिटल के अंदर घुस गए। हॉस्पिटल में मौजूद कई सारे दवाइयों को भी बर्बाद किया गया। हॉस्पिटल पर मौजूद बेड को तोड़ा गया। इन्हें देखकर कोई भी नहीं बोल सकता है कि ये स्टूडेंट या फिर डॉक्टर थे। इनका मेन टारगेट था हॉस्पिटल के अंदर मौजूद इमरजेंसी वार्ड पर हमला करना। पेशेंट और डॉक्टर के ऊपर भी हमला किया गया, जिसकी वजह से डॉक्टर डर के मारे एक कमरे में छिप गए। इन लोगों ने इस हॉस्पिटल पर हमला किया था, जिस हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले ही एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उनका मर्डर किया गया था। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये लोग क्या प्रोटेस्टर थे या फिर सबूत मिटाने आए थे। इसके करीब एक महीने के पहले ही ऐसा ही सेम सिचुएशन बांग्लादेश में देखा गया था, जहाँ कुछ लोगों की टीम ने शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक हॉस्पिटल में घुस गए। हॉस्पिटल में घुसने के बाद वहाँ पर मौजूद डॉक्टर और पेशेंट के साथ मारपीट किया गया। और ऐसा ही हाल हमारे भारत के कोलकाता में भी देखा गया, जहाँ रात के समय हॉस्पिटल में घुसकर वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट और वहाँ पर चीजें तोड़फोड़ की गई। डॉक्टर और पेशेंटों के ऊपर भी हमला किया गया। इस हमले में नॉर्मल लोगों के साथ पुलिस के ऊपर भी अटैक हुआ, जहाँ पर एक पुलिस कार को भी तोड़ा गया और उससे पलटी कर दिया गया। साथ ही कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए और उनके सिर से खून बहने लगा। मगर यहाँ पर सवाल उठता है कि 14 अगस्त को पहले से ही डिसाइड किया गया था कि 14 अगस्त की रात को प्रोटेस्ट किया जाएगा, तो पहले से ही पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी? क्यों राज्य पुलिस पहले से ही तैनात नहीं थी? इनफैक्ट जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब ये हमलाकारी लोग हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब इन्हें रोकने के लिए पुलिस आगे नहीं आ रही थी। क्या यह हमला लोगों का ध्यान दूसरी ओर करने का प्लानिंग तो नहीं था? क्यों कोलकाता पुलिस को एक थोड़ा भी भनक तक नहीं लगा कि ये हमलाकारी लोग हॉस्पिटल में घुसने वाले थे, जिस हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था? क्या सिस्टमली इस मर्डर रेप केस को कवर किया जा रहा है? हमारे देश में एक व्यक्ति के लिए प्रोटेस्ट करना एक बेसिक राइट है, और यह राइट हमें हमारे संविधान ने दिया है। संविधान का कहना है कि अगर कोई शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसे कोई रोक टोक नहीं सकता है। लेकिन गुरुवार की रात जो हुई उसकी उम्मीद ही नहीं थी। यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं थी, बल्कि एक ट्रेनिंग डॉक्टर को न्याय दिलाने की प्रोटेस्ट थी। एक लड़की के साथ ऐसा होना एक अन्याय है, इतना ही प्रोटेस्टर चाहते थे। इनफेक्ट इन प्रोटेस्टर के ऊपर हमला करने वाले लोग आखिर कौन थे? इनको किसने भेजा था? प्रोटेस्टर के ऊपर हमला करके क्या छिपाना चाहते थे? तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। छत्तीस घंटा ड्यूटी करने के बाद ट्रेनी डॉक्टर रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में जाती है। इस सेमिनार रूम में रात के 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच इसके साथ दुष्कर्म करने के बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब इनके फैमिली को इनके मरने की बात बताई गई तो उन्हें बताया गया था कि आपकी बेटी आत्महत्या की है। और यहीं से ही कई सारे सवाल पुलिस के ऊपर उठते हैं। इसके बॉडी को देखकर कोई भी कह सकता है कि यह कोई सुसाइड नहीं है बल्कि एक मर्डर है। जब इनके फैमिली हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें 3 घंटे के लिए रोक कर रखा जाता है एक रूम में। उनकी फैमिली बार बार रिक्वेस्ट करती है कि हमारी बेटी को एक बार देखने दो, लेकिन हाई कोर्ट के एफिडेविट में बताया गया कि पुलिस ने उन्हें 3 घंटे तक एक रूम में रोक कर रखी थी। इसके ऊपर जब मीडिया पुलिस विनीत गोयल से सवाल पूछती है तो विनीत गोयल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पुलिस 100% ट्रांसपेरेंट कार्रवाई कर रही है, यहाँ पर पुलिस का कोई दोष नहीं है, हमें सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया के द्वारा मुख्य आरोपी के राजनीतिक संबंध होने की अफवाहों के कारण गुस्सा भड़क गई थी, जिसके कारण यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी को भी नहीं सुनाई बातों के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर पुलिस निर्दोष है तो उनके फैमिली को 3 घंटे तक एक कमरे में क्यों रोक कर रखी थी? इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि एफआईआर करने में पुलिस ने काफी ज्यादा देरी की। अगर पुलिस 100% ट्रांसपेरेंट मेंटेन कर रही है तो उन्हें इसके ऊपर जवाब जरूर देना चाहिए। इसके अलावा क्यों 14 अगस्त की रात को पुलिस ने इन हमलाकारी करने वाले लोगों को रोक नहीं पाई? क्यों यहाँ पर पहले से ही सिक्योरिटी नहीं दिया गया था? इसके और उदाहरण सुनो। जब 9 अगस्त को ट्रेनिंग डॉक्टर के डेड बॉडी सेमिनार रूम में मिली थी, इसके अगले दिन 10 अगस्त को सेमिनार रूम के बगल में मौजूद कमरे पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उन कमरों को तोड़ा गया। उन कमरों को तोड़ने की आदेश किसने दी थी? बेसिकली जिस जगह पर क्राइम होता है उसके आसपास सभी जगहों पर घेरा कर दिया जाता है। क्या इन दीवारों पर पहले से ही किसी तरह का सुराग तो नहीं था? क्या पुलिस ने इसे चेक किया था? क्यों इन सब के बारे में पुलिस ने बताया नहीं? आज यह एक दर्दनाक और खौफनाक हादसा है, जिसके लिए आज पूरा देश न्याय मांग रहा है। तो फिर इस हॉस्पिटल पर काम क्यों कराया गया? इसे देखते हुए कई लोगों का मानना है कि शायद इस दीवार को तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी। ने जिस संजय रॉय को अरेस्ट किया है, वह संजय रॉय क्यों सिविल वॉलंटियर के रूप में पुलिस के लिए काम करता था? इसका जवाब भी पुलिस को देना पड़ेगा। और यह कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों का पुलिस से भरोसा तक उठ रहा है। इसे देखते हुए कुछ दिन बाद हाईकोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया है। फिलहाल देखना अभी यह है कि सीबीआई इस केस को किस तरह से सॉल्व करती है।